हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। और भाई आज देखो सैटरडे है, ठीक है, मेरी छुट्टी होती है सैटरडे को। तो सैटरडे मतलब ऑफ डे पे मैंने ऐसा सोचा था कि मैं सुबह उठ के और मीशू को ले जाके नॉकिंग करूंगा थोड़ी देर, ठीक है, टाटा पे अकेले, क्योंकि मतलब तुमको पता है, तुम देखते ही हो वीडियोज में कि क्लब में नॉकिंग करने के टाइम पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीख नहीं पा रहा होता। तो इसीलिए मैं आज एक दिन हफ्ते में ऐसे जाके और मीशू को ले जाके अलग से नॉकिंग कर दूंगा। अब ऐसा सोचा है, ठीक है, अभी ऐसा सोचा है। और अभी अभी ऐसे बाहर ना दिखेगी तो ऑफकोर्स नहीं, पर हाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की, विच इज गुड। मैं चाहता था कि बारिश हो, है ना, बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी, पर देखते हैं हल्की फुल्की हो रही है, अगर रुक गई तो फिर चले जाएंगे और देख लेंगे। तो अब बाहर तो बारिश हो रही है, लेकिन बालकनी में बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे मस्त हवा हवा आ रही है, ठीक है, बहुत सही हवा चल रही है आज। तो अब मैंने सोचा जब तक बारिश हो रही है तब तक लेट्स यूटिलाइज सम टाइम, दैट्स व्हाट गॉड्स डू, वी यूटिलाइज टाइम, ठीक है। तो इसीलिए हम तब तक बैठ के एडिटिंग करेंगे, ठीक है, और आज वाले ब्लॉग को पूरा कम्प्लीटली एडिट कर देंगे, क्योंकि 10 मिनट ही लगते हैं अब तो। भाई सब फिगर्ड आउट। ये वाले ब्लॉग में काफी सही क्लिप है, ये शायद तुमने देख भी ली होगी, तो ये एडिट करेंगे। पर बारिश रुक गई है फाइनली, जो मैं चाहता वैसे थोड़ा नहीं भी था अंदर से, पर ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करके आ जाएंगे। तो इसके लिए ना हम पता क्या करेंगे, अगर तुमको नहीं पता है अभी तक, अगर तुम मुझे नहीं जानते हो, बाय चांस तुम अलग ऑडियंस हो, ठीक है, अलग ऑडियंस हो मेरे दोस्तों के अलावा, तो फिर तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं मेरे फोन में ट्रांसपेरेंट बैक कवर यूज करता हूँ, और अंदर एक हैंड ड्रॉन शीट या हैंड ड्रॉन कवर होता है, ठीक है, जो या तो मीशू ने बनाया होता है या फिर मृदुला ने बनाया होता है, ठीक है। और इस बार वी नीड टू थैंक मृदुला फॉर दिस वन, क्योंकि ये वाला यूज कर रहा हूँ मैं अभी, गोजो सातोरू, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैंने ना अभी सोचा कि इसको स्पॉइल करने से बेटर है, क्योंकि मैंने ना एक मीशू ने नारुतो वाला बहुत प्यारा बनाया था, और हुआ ऐसा था कि हम वहां पे गए थे टाटा पे, और क्या हुआ था, चेयर पे रख दिया था किसी ने, जो चेयर गीली थी, तो वो पूरा अंदर से सर्वेन हो गया था भाई। तब हमने रियलाइज किया कि भाई कवर के थ्रू भी पानी चला जाता है, और पेपर है तो ऑफकोर्स रुइन हो जाएगा, तो वो रुइन इसलिए हो गया था। तो इसीलिए अब अभी थोड़ा प्रिकॉशन था बेटर देन क्योर, नहीं प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, तो इसीलिए हमने ये निकाल दिया, ठीक है, और अभी हम जाएंगे। और इसी से मुझे एक और चीज याद आई, जो मुझे काफी टाइम पहले से याद है वैसे, कि मेरा जो ट्रांसपेरेंट बैक कवर है वो तो ठीक है, लेकिन आप इतनी डीप वॉइस करके क्यों बोल रहे हो? डीप वॉइस नहीं, दिस इज मॉर्निंग वॉइस। कोई नहीं, ये ढंग से बोलो। नहीं, यही मॉर्निंग वॉइस है, इससे ढंग से बोल ही नहीं पाता हूँ मैं, अभी देखना एक आध घंटे बाद मस्त हो जाएगी। तो देखो बाय द वे, ये इसकी हालत खराब हो गई है बेचारे की, तो ये नया खरीद के लाना है, बस ये याद नहीं रहता खरीदना, ठीक है, तो ये लेके आना है। अब बाकी अभी चले मस्त, इससे बारिश रुक गई, चलो। सो हम पहुंच गए अभी मस्त टाटा पे, ठीक है। ये ग्राउंड ना बड़ा अच्छा सा लगता है, क्यों मीशू, इतनी घास कहाँ से आ गई? ये देखो, इधर थोड़े दिन नहीं आओ और कुछ ना ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इधर, तो वो मस्त सा है, कीचड़ हो रही थोड़ी सी, उधर से चल लो फुटपाथ से, बाकी मजे आएंगे। उधर मैनली योगा चल रहा है, वॉलीबॉल कोर्ट पे यहाँ से नहीं दिखेगा। अरे दीपक भैया से स्केटबोर्ड ले आना था यार। हाँ यार, गिरते मस्त। मैं सीख जाता, मैं तो गिरते, तो वो फेदर वेट है, ये फेदर वेट, ठीक है, इसका कोई वेट ही नहीं है, तो वो स्केटबोर्ड इधर उधर भी नहीं होता जरा सा भी। मैं हम चढ़ जाते तो ऐसा इधर उधर होता है ना, बहुत भयंकर। तो पहले लगता था कि स्केटबोर्डिंग बड़ी ईजी सी है, कि बस पैर रखो चलाओ, लेकिन वो ना ऐसा ऐसा होता है टर्न्स के लिए, और वो बहुत खतरनाक चीज है। लो आजमा, चलो वो टच करना आप। क्या वो बोर्ड? अरे उधर पानी हो रहा है, वापस आते में करेंगे, याद दिला देना। वो देखो हेवन, ओ जीसस, जीसस यू हियर? वो मेरे लिए गेटवे है, मैं गॉड हूँ ना, तो वो बुलाते रहता है बीच बीच में वापस। ओलंपस, ओलंपस चले जाओ, कितने कितने सेंचुरीज बाद आओगे? नहीं यार, फिर अगर चला गया तो फिर 1000 ईयर्स बाद ही आ पाऊंगा, तो गलत हो जाएगा। वॉलीबॉल स्पाइक सीख लू, नहीं स्पाइक सीख लू, उसके बाद जाऊंगा वहां फ्लेक्स करने के लिए, कुछ तो होना चाहिए ना यार, वॉलीबॉल प्रीमियर लीग में। हाँ भाई यार, नहीं तो वहां पे भी एक्स्ट्रा में बिठा दे मेरे को, तो फिर क्या मतलब रहेगा इतनी सारी प्रैक्टिस का। देखो अलग से आके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
यहाँ हो क्या रहा है भाई, तानी कुछ तो प्रोग्राम प्रोग्राम कर देते हैं करा लो। हाँ छोटा सा टूर्नामेंट, हाँ उसमें वॉलीबॉल रख लो और ऐसा ही मौसम दे देना, बस बस उसमें हवा नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो देवाशीष 12 ही बजा देगा फिर मेरी टीम में। अक्षय भैया दे दो उसको पिंच सर्वर खिलाएंगे। बाप रे अगर सही में टूर्नामेंट हुआ तो मैं अंदर खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा? नहीं मुझे नहीं लगता। ठीक है तो हम लोग जस्ट अभी वापस आए टाटा से, ठीक है, और अभी फिर मीशू ने बोला कि यार चलो डार्क चॉकलेट पीते हैं, बट वो मिली नहीं तो अमूल कूल कैफे लेट्स गो, है ना, स्पॉन्सर कर दो यार, तुम्हारा कमर्शियल भी बना दिया अब तो, करना चाहिए यार इनको, है ना। तो अभी हम इधर आ गए, बाय द वे देखा क्या मस्त टप्पे मारे, आई होप कि वो रिकॉर्ड हुआ हो, ठीक है, जो मैंने अच्छी अच्छी स्पाइक करी, बाकी लगता नहीं मेरे को कि होगा, बट अच्छा हुआ, ऐसे पूछ लो कि ना अच्छे मार रहे थे दो तीन जब नॉकिंग कर रहे थे, लेकिन फिर इतने सारे लोग आ गए। अरे यार सैड भाई, सैड, बहुत सैड, मैं सोच के गया था कि अकेला वहां पे नॉकिंग करूंगा आराम से, फिर एक तो मैच खिला दिया, मैं चप्पल में गया था। हाँ मेरे से भक्त पहले ही नहीं बनती हो। देख ले यार गौरव, देख चप्पल में जा रहा है, पहले पोलियो का मरीज है, चलते नहीं बनती। मैं गौरव को बताऊंगा ये अलग से, मारेगा देखो। सो अपेरेंटली आज भी मेरी और सम्राट भैया की ट्यूनिंग उतनी जमी नहीं टाइम को लेकर, उनको मार्केट वार्केट जाना था तो मैं आज भी उनके शूट करने नहीं गया, है ना। बट अभी ऑफकोर्स इट्स टाइम टू गो टू BIFC, ठीक है, एक ही इंटरेस्टिंग चीज जो हमारी लाइफ में होती है, दैट इज गोइंग टू BIFC, और अभी बज रहे हैं, काफी बज रहे हैं, ठीक है, और अमन जस्ट अभी अभी आया है तो फटाफट निकलते हैं, चलो। तो हम लोग आ गए मस्त क्लब में, अभी देखो वहाँ पे रनिंग स्टार्ट करी है इन लोगों ने, और अच्छे से देख लो, हाँ देखो रनिंग स्टार्ट करी, ओ हो तो अभी रनिंग स्टार्ट करिए, हम भी फटाफट से पहुँच जाते और ज्वाइन कर लेते हैं। जय हिंद जय हिंद। अभी ये दौड़ाएंगे दो लोग हमारे, आधार कार्ड वाले ने सोचा नहीं होगा क्या? अच्छा तो एकदम ऑकवर्ड पोजिंग। अक्षत भाई क्या कर रहे हो आप? टोटल ना सबके तुम्हारे Yeah.
लाइक करो, इधर को कमेंट करो, इधर को फॉलो करो और उधर को जाओ।